Yes, well, it's a very, very interesting theory. I have a simpler one. You're all not worthy. Hey guys, स्वागत है आपका। तो हमने Avengers Infinity War में देखा कैसे Thanos ने एक के बाद एक Infinity Stone हासिल किया और अपने gauntlet में रखता गया। बट हम ये सभी जानते हैं कि Aether तो solid form या stone के form में नहीं था। तो ये कैसे हुआ? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो थोड़ा Dark World में हमें इसकी पहली look मिली, जहाँ Dark Elves के leader मेलिकेत ने इसे इस्तेमाल करना चाहा ताकि वो हमेशा के लिए Noryams में अंधकार का राज ला सके। वैसे Aether हमेशा से ही एक stone था, बस एक ही reason है जिसे वो ऐसे liquid के form में दिखता है, क्योंकि ये ऐसे ही reality में है जिसे उसने ऐसा दिखाया जो वो नहीं है। या ऐसा कह सकते हैं ये स्टोन सराउंडिंग के रियलिटी को दिखाता है, और थॉर के विजन में इसे साफ साफ दिखाया था कि ये स्टोन खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो इसीलिए जब थैनोस ने इसे नोवेयर में कलेक्टर तेनेलियर तिवान को मोस्ट प्रोबेबली मार के लिया होगा और इसे अपने गॉन्टलेट में रखना चाहा होगा, तब Aether रियलिटी स्टोन में तब्दील हो गया। इसीलिए थैनोस ने पहले पावर और स्पेस स्टोन को हासिल किया ताकि वो स्टोन के घिरे हुए झूठी रियलिटी को हटा सके और इसे सॉलिड फॉर्म में ला सके। तो बस ये थी वीडियो। वैसे जानता हूँ कि ये एक छोटी सी वीडियो है, बट इसे बताना ज़रूरी समझा मैंने, तो बस बना दिया। तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो अच्छा लगा तो, और बुरा लगा तो बताओ कमेंट में कि क्यों लगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करो यार, ताकि और मज़ेदार आने वाली वीडियोस देख पाओ। सो ड्रेड इट और रन फ्रॉम इट, बट माय वीडियो विल कम सो सून।